हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी माँ शेरा वाली। तो कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जय माता दी। तो अब से मैं आपसे दिवाली से रिलेटेड, माँ लक्ष्मी से रिलेटेड जो वीडियोस शेयर करूँगा। ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करूँगा कुछ अचूक उपाय जिससे माता लक्ष्मी जी को हम प्रसन्न करें और वह हमारे घर में विराजमान हुए। कुछ उपाय बताऊँगा जिससे हमारे सिर्फ माँ लक्ष्मी का ही नहीं आगमन होगा, साथ में हमारे गणेश जी, माँ विष्णु जी का भी हमारे घर में आगमन होगा। दिवाली आ रही है तो इसलिए माँ लक्ष्मी जी से जुड़े सभी उपाय मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इन उपायों को आप जीवन भर निभाएंगे तो आपके जो है धन लाभ जरूर अवश्य होगा। सच्चे मन से बिना लालच के अगर आप माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर जरूर आएंगी। उपाय इस प्रकार से कि देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने घर में जो फोटो माँ लक्ष्मी जी की किस प्रकार की रखें। हाँ, हमेशा हमेशा जब भी आप माँ लक्ष्मी जी की फ़ोटो घर में रखें उसमें जो है साथ में विष्णु जी जरूर हों। जैसे अब स्क्रीन पे दिख रही वैसी फ़ोटो आप रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी, विष्णु जी, गणेश जी की फ़ोटो ऐसी रखें जिसमें वो, जैसे अभी जैसे वैभव लक्ष्मी जी, इन्हें वैभव लक्ष्मी कहा जाता है, जो हाथियों वाली जो होती है ना, जो दो हाथी स्नान करा रहे होते हैं माता रानी को और माँ बीच में बैठी होती है, जैसे अभी स्क्रीन पर दिख रही है। इसे कहते हैं वैभव लक्ष्मी वाली। इस प्रकार की फ़ोटो भी आप रख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आप जो है विष्णु जी के संग जो फ़ोटो होती है ना वो रख सकते हैं। वो तो आपको रखनी रखनी है, जब भी रखनी है तो विष्णु जी के साथ जो फ़ोटो होती है वो रखनी है, क्योंकि विष्णु जी के साथ जब माँ लक्ष्मी होती है तो वो टिकी रहती हैं, एक घर से दूसरी तरफ नहीं जाती हैं, मतलब वो टिकी रहती हैं। और देखिए, विष्णु जी जहाँ पे पत्नी होती है उसके पति का होना तो अनिवार्य होता ही है। उपाय नंबर वन है चिड़ियों को दाना डालना, कबूतरों को दाना डालना। चिड़ियों कबूतरों को दाना डालने से जो है हमारे को धन वृद्धि होती है, हमारे जो रोगों से मुक्ति मिलती है, घर में जो है नज़र दोष नहीं लगता है, मतलब बहुत फायदे होते हैं चिड़ियों को दाना डालने के, अत्यंत फायदे हैं। आप ये रोज भी कर सकते हैं। अगर आप रोज नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है किसी बुधवार को, प्रत्येक बुधवार को कर सकते हैं। बुधवार के दिन जो चिड़ियों कबूतरों को दाना डालता है उसके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है। दाने में क्या डाल सकते हैं आप? चावल डाल सकते हैं कच्चे, और गेहूं डाल सकते हैं, और बाजरा, कबूतरों को बाजरा बहुत पसंद होता है तो आप बाजरा डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है चिड़ियों के लिए दाना रख सकते हैं। और जल भी जरूर रखें चिड़ियों के लिए। जल एक मटकी में या एक मिट्टी के पात्र में रखिए, इससे उनकी प्यास बुझती है, क्योंकि आजकल मतलब तो उनको पानी नहीं मिल पाता है तो आधी चिड़ियाँ ऐसी मर जाती हैं खाने भूख की वजह से। दूसरे नंबर पे आते हैं जिन्हें दाना खिलाना चाहिए, वो हैं हमारे कछुआ जी। कछुआ जी जो होते हैं वो माँ लक्ष्मी जी के जो आसन होता है उनका जो है वाहन माना जाता है इसे। जब वह माँ लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ समुद्र में, जल में निवास करती, तब उनका जो आसन है, जो उनकी सवारी है, वो कछुआ जी होते हैं। और यही जो विष्णु जी के कुर्मावतार है, तो इस प्रकार से इनको दाना डालने से जो है धन वृद्धि होती है। तो आप कछुए को जरूर दाना डालें। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पे जिनको हमने दाना डालना चाहिए, वो है हमारी गौ माता जी। गौ माता जी को दाना डालने से जो है, सॉरी दाना नहीं, रोटी खिलाने से बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि वह समस्त देवी देवताओं की माँ है, उन्हें माँ का दर्जा दिया जाता है समस्त देवी देवताओं की। तो इसी प्रकार से आप जो है गौ माता जी को रोटी जरूर खाएं। कहते हैं जब भी आप रोटी बनाने चाहें सुबह, तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती है और जो आखिरी रोटी है बचती है वो कुत्ते को दान दी जाती है, द्वेष दरवेश जिन्हें कहा जाता है उनको दान कर दी जाती है। ठीक है, अब आ जाता है दूसरा उपाय, महा उपाय जिसे कहा जाता है, दान करना। दान करने से हम जितना दान करते हैं हम उतना जो है 10 गुना वापस पाते हैं। दान करने की जो मतलब रीत है वो
मतलब कितनी चलती आ रही है, युगों युगों से चलती आ रही है। और ये हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी सिखाते हैं कि दान करना बहुत ज़रूरी होता है, जीवन में दान करना अवश्य करना चाहिए। दान ज़रूरतमंदों को, भूखों को, गरीबों को, किसी के तन पे कपड़े नहीं उसको कपड़े दान कर दीजिए, किसके खाने के पास अन्न नहीं है उसे अन्न दान कर दीजिए। इससे जो वो हमें जो है बख्शीश आशीर्वाद देगा, उनका एक एक आशीर्वाद हमारे लिए जीवन दान के बराबर होगा। तो आप इस 7 महीनों तक, संक्रांति जब आती, जब सूरज अपनी राशि बदलता है, जैसे संग्रांत पंजाबी में कहा जाता है, इस 7 मास तक जो इस प्रकार से विधिवत रूप से दान करता है उस पे जो है माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उसके बाद तीसरा उपाय, कमलगट्टे की माला। तो कमलगट्टे की माला आप अपने घर के मंदिर में जरूर रखें। कमलगट्टे के फूल नहीं मिल पाते इसलिए उनकी कमी पूरी करने के लिए हम कमलगट्टे की माला रख सकते हैं। कमलगट्टे की माला के पास कपूर जरूर रखें, इससे जो कपूर रखने से माला खराब नहीं होती है। तो कमलगट्टे की माला माँ लक्ष्मी जी को पहना दी या फिर उनके चरणों में रख दीजिए, इससे जो है कमल के फूल की पूर्ति हो जाती है। कमल का फूल माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है इसलिए। अब आ जाता है दिया, दीप प्रज्वलित। मुख्य द्वार पर प्रतिदिन संध्या के समय जो दीप प्रज्वलित करता है, माता लक्ष्मी जी का आगमन उसके घर में होता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी जी जो है संध्याकालीन, संध्या के समय, प्रदोष काल के समय जो है माँ लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं, तो वो घर घर आती हैं। तो इसलिए इस समय जो है अपने घर के रोशन करके रखना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए मुख्य द्वार पर, कभी भी गंद नहीं पड़ाना चाहिए और अंधेरा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ़ होना चाहिए, आपकी रसोई एकदम साफ़ होनी चाहिए। तो अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, अपने घर की रसोई व मुख्य द्वार जरूर साफ़ रखें, इसको कभी भी गंदा ना रहने दें, और माँ तुलसी जी की पूजा जरूर करें। कार्तिक के महीने माँ तुलसी जी की पूजा का बहुत विधान है, माँ तुलसी जी की पूजा विधिवत रूप से आप कार्तिक के महीने में करें। तो यही थे कुछ उपाय जिसको अपनाने से आप माँ लक्ष्मी जी को अपने घर में बुला सकते हैं। जो है नित्य दिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से भी जो है माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और कोई वीडियो चाहिए तो जरूर बताइएगा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय माता दी।